जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से बताना। और अभी मैं हूँ रायपुर जंक्शन में और जस्ट ट्रेन का चेन पुल हुआ है, पीछे में खड़ी है पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस। आप आवाज सुन सकते हो, ट्रिपल हॉन्किंग यानी चेन पुलिंग हुआ है। और आज अपने साथ फिर से हैं भाई अखिलेश भाई है, ट्रेन ट्रेवलर विथ अखिलेश भाई है, और साथ में अपने रजत भैया भी बैठे हैं, उनका तो ड्यूटी है रायपुर जंक्शन में। भाई लोग तो बैठे हुए, चैनल आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हो, भाई को भी सपोर्ट करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉग भी डाल रहे हैं, कम्युनिटी में डालूंगा जाके, सब लोग भैया को सब्सक्राइब करके इनको भी सपोर्ट करो। बाकी भगत की कोठी मतलब विशाखापट्टनम भगत की कोठी वीकली एक्सप्रेस का आज फर्स्ट LHB इनॉग्रल रन है, तो जो कि रायपुर जंक्शन में आने वाली है, तो उसको क्या है आज उसका अपन को करना है भाई कवर, तो उसका जो भी है दिखाऊंगा मैं आपको, कौन सा मतलब LHB कोचेस में क्या मतलब फैसिलिटी है, पुराना है कि नया है, वो सब चलो देखते हैं। बाकी तो देख सकते हो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है भाई, फाइनली हो गई अपनी जो विशाखापट्टनम भगत की कोठी है ये भी फाइनली LHB फाइट हो गई है। देख सकते हो पीछे से आ रही है, और देख सकते हो टोकन एक्सचेंज, और देखो भाई विशाखापट्टनम भगत की कोठी वीकली एक्सप्रेस फर्स्ट LHB इनॉग्रल रन। यार विशाखापट्टनम क्या कर रहे हो यार, विशाखापट्टनम थोड़ा तो सजा देना था गाड़ी को। देख सकते हो कोचेस तो है थोड़ा चमचमा रहे हैं, बाकी देखते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की गाड़ी है, इसका रेक शेयरिंग है विशाखापट्टनम तिरुपति एक्सप्रेस के साथ, विशाखापट्टनम तिरुपति स्पेशल ट्रेन के साथ इसका रेक शेयरिंग होता है, वीकली ट्रेन है दोस्तों। बाकी इसमें पेंट्री कार, ऑन बोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग की सबकी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। देख सकते हो पेंट्री कार की फैसिलिटी है इसमें, कोचेस नए लग रहे हैं दोस्तों, थोड़ा पेंट नया हुआ है कोचेस में। बाकी पूरी ट्रेन को आ जाने दीजिए फिर बात करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ पे इसका भी लोको रिवर्सल होगा, यहाँ से ट्रेन रायपुर जंक्शन में, सवाई माधोपुर में और कोटा जंक्शन में रेक रिवर्सल करती है। भगत की कोठी वीकली एक्सप्रेस, तो देख सकते हो दोस्तों अपने पीछे तो यहाँ पे अभी लोको रिवर्सल का काम हो ही रहा है, साथ में जो अपनी ट्रेन है, चलो मैं इसका थोड़ा आपको अपडेट दे देता हूँ ये कितना मतलब लेती है टाइम वाइम। रही बात इसकी फर्स्ट इनॉग्रल रन की, तो ये जो ट्रेन थी 24 दिसंबर को चलाई गई थी 2013 में, और अभी जाके फाइनली ये ट्रेन जो LHB हुई है, पहले ICF में चलती थी, तो बात ही अलग था। मैंने इसमें पहले भी ICF में ट्रैवल किया, अच्छी थी गाड़ी। बाकी इसमें पेंट्री कार है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, टोटल डिस्टेंस जो है ये 2068 किलोमीटर को ट्रैवल करती है, और टाइम जो लेती है वो है 38 आवर 25 मिनट्स का टाइम लेती है। साथ में अभी बिलासपुर राजधानी का भी आने का टाइम हो गया, तो बिलासपुर राजधानी आएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल हो रहा है ट्रेन का, तो आज लोको अवेलेबल नहीं है रायपुर में, तो इसीलिए जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जो लोको अभी इसको लेके आया विशाखापट्टनम का WP7 यहाँ तक, वही इसको वापस पीछे लगा के इसको भेज दिया जाएगा। सवाई माधोपुर में होता है अगला रेक रिवर्सल, उसके बाद होगा कोटा जंक्शन में भी इसका रेक रिवर्सल होगा, फिर लास्ट ट्रेन जोधपुर भगत की कोठी जाके टर्मिनेट होगी। और रही बात इसके कोच कंपोजिशन की बात किया जाए, तो इसमें टोटल जो है स्लीपर के 9 कोचेस के साथ चलती है, एक पेंट्री कार, और AC 3 टायर के टोटल 5 कोचेस, और AC 2 टायर के एक ही कोच है, और एक EOG और एक SLR के साथ टोटल ये ट्रेन चलती है। और चलिए अब देखते हैं इसका, जब भी लोको आएगा लोको रिवर्सल करेंगे, उसके बाद तो मिलना ही है भाई। बिलासपुर राजधानी का भी टाइम हो गया, राजधानी आ रहा है उसको भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। बाकी तो ट्रेन ठीक है, हफ्ते में एक दिन चलती है, थर्सडे को निकलती है विशाखापट्टनम से, फ्राइडे को भगत की कोठी पहुँचेगी, फिर सैटरडे को भगत की कोठी से निकल के मंडे को मॉर्निंग में ये विशाखापट्टनम पहुँचेगी। बाकी इनॉग्रल रन है आज, लेकिन ट्रेन को बिल्कुल सजाया वजाया नहीं गया। बाकी चलिए मिलता हूँ मैं आपको, सीधा कपलिंग होगा वो दिखाता हूँ मैं अब आपको। तो देख सकते हो दोस्तों लोको आ चुका है वापस पीछे, विशाखापट्टनम अब ये जाएगा सवाई माधोपुर तक,
शायद पूरा भगत की कोठी तक लेके चले जाएंगे इसको, फिर वहाँ से वापस आएगा। देख सकते हो ट्रैक चेंजिंग पॉइंट है, T0726 शाखापट्टनम WP7 इन लीड। और भाई मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि रायपुर जंक्शन में बहुत ज़्यादा चेन पुलिंग हो रहा है। देख सकते हो गाड़ी आ चुकी है WAG9 के साथ, कोई ICF ट्रेन है और इसमें अभी हो गया फिर से चेन पुल। इसके पहले गई थी एक पोरबंदर शालीमार सुपरफास्ट, उसमें हो गया था चेन पुल। चैनपुर ही चैनपुल हो रहा है रायपुर जंक्शन में। बाकी आप ट्रिपल ऑनगिंग को सुन ही सकते हो, हो गया। चलिए अब चलते हैं, अब इसका डिपार्चर दिखाऊंगा सीधा और आज का ब्लॉग फिर यहीं पे एंड होगा। बाकी ट्रेन सही है भाई, कपलिंग वपलिंग सब हो गया गाड़ी का और देख सकते हो सामने में ही चेन पुलिंग हो गई है WAG9 के साथ ट्रेन। तो देख सकते हो दोस्तों अभी अपन आ गए इसके जनरल क्लास में। बाकी पानी वानी तो अभी ठीक ठाक आ रहा है, आज पहला LHB रन है। मिरर थोड़ा सा और साफ रहना चाहिए फर्स्ट रन में, देखो कैसे। तो बाकी टॉयलेट वॉयलेट यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे इसमें वाटर वाला फैसिलिटी लगा, लेकिन देख के अभी नया ठीक है, आगे चल के ख़राब हो जाता है ये। बाकी इधर फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, डस्टबिन हो गया, सब है। और ऊपर देखा जाए तो इसमें कैमरा नहीं दिया है, कोई कोई में दे देता है। बाकी स्लीपर क्लास में कैमरा मिल जाएगा। चलो मैं अब आपको स्लीपर दिखाता हूँ, बाकी भगत की कोठी का जनरल क्लास का एक बार देख लो आप। देख सकते हो दोस्तों जनरल क्लास में कैसा है। गंदगी अभी से करना चालू कर दिया दोस्तों इसमें, तो देख सकते हो दोस्तों अभी अपन आ गए स्लीपर क्लास में और पानी वानी तो आ रहा है। इधर भी डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर है का जगह है लेकिन नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर, खाली है फिलहाल। और मिरर गंदा है, तो पहले ही दिन LHB का रन है और फिर ऐसा हाल है।
बाकी और आगे देखते हैं, देख सकते हो यहाँ कहीं कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह दिया है और यहाँ पे सोप रखा हुआ है। बाकी तो और ये रायपुर जंक्शन में अभी फ़िलहाल अपन रुके हुए हैं, बस निकलेगी गाड़ी यहाँ से, अब कपलिंग वगैरह सब हो गया, डिपार्चर होने के लिए तैयार है गाड़ी का। वैसे सिग्नल नहीं मिला है, बाकी सिग्नल मिलते ही ट्रेन जो है डिपार्ट हो जाएगी। चलिए होते हैं डिबोर्ड यहाँ से, बाकी विशाखापट्टनम की ट्रेन है ये, और कैमरा स्लीपर क्लास है, लेकिन कैमरा इधर भी नहीं दिया, देख सकते हैं कैमरा इधर नहीं है। तो चलिए होते हैं डिबोर्ड। तो देख सकते हो दोस्तों डिपार्चर के लिए एकदम तैयार है विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस विशाखापट्टनम के WP7 के साथ, फर्स्ट LHB रन है, लेकिन इसको थोड़ा सजा देना था विशाखापट्टनम वालों को। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, LHB फर्स्ट रन आपके साथ। SLR दीनदयालु कोच, विशाखापट्टनम जाने वाले स्लीपर S9 S8। भाई साहब ऐसे गलती मत करो। S7 S6 S5 S4 S3 S2 पेंट्री कार, S1 और भाई साहब ट्रेन रुक गई एकदम मस्त। तो भाई LHB रन में भी इसका आज चेन पुलिंग हो गया, देख सकते हो कैसे लोग उतर रहे हैं चेन खींच के। गाड़ी जो है अभी नियरली 20 मिनट लेट है, अभी और लेट हो जाएगी ऐसे ही। बाकी चलिए अब फिर इसका डिपार्चर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों गाड़ी फिर से निकल गई है, और वो जो सामने से आ रहे हैं वही लोग चेन खींचे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण चेन पुलिंग हुआ था। बाकी अभी ट्रेन फिर से निकल गई है, और इसमें AC 2 टायर एक ही कोच है दोस्तों, A1 देख सकते हो। और फिर अनरिजर्व्ड का इधर टोटल 3 कोचेस, और उधर 4 अनरिजर्व्ड के साथ चलती है बाकी ये। और ये भाई गई, और वो RPF वाले उनको पकड़ लिए। चलिए दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, लाइक ज़रूर से कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। अब अपन चलते हैं, आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, आप सब ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, और ठीक है टेक केयर टिल देन, टाटा बाय बाय दोस्तों।